Students, today we are starting a new topic of the same chapter, that is life processes. We have already gone through nutrition, respiration, transportation. So this is last topic for this chapter, that is life processes. ये अभी तक तो बहुत simple चला है. इस वाली topic को पढ़ने के बाद इसको आपको और easy लगने लग जाएगा. Now what this excretion word is? Excretion is actually not the removal of fecal matter or the undigested food. It is actually removal of nitrogenous waste. Now why to remove nitrogenous waste? Because nitrogenous waste are very harmful for our body. So uska removal hona bahut zaruri hai. On the basis of nitrogenous waste, we classify animals into three categories. That is ammonotallic, which remove ammonia as a nitrogenous waste. Ureotallic, which remove urea as a nitrogenous waste. And third one is uricotallic, which remove uric acid as nitrogenous waste. अब मैं तीनों का आपको एग्जाम्पल याद करने का तरीका बताती हूँ. अमोनोटेलिंग एनिमल्स ज्यादातर जो होते हैं वाटर डवेलिंग, पानी में रहने वाले. क्यों? क्योंकि अमोनिया को रिमूव करने के लिए बहुत सारा वाटर चाहिए. यूरियोटेलिक जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, यूरिया को रिमूव करने के लिए उन्हें मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए. एंड यूरिकोटेलिक जिसको रिमूव करने के लिए बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में वाटर चाहिए, क्योंकि बर्ड्स जो होती हैं वो अपने बॉडी में बहुत सारा वाटर कैरी नहीं कर सकती, इसलिए उनका नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो यूरिक एसिड होता है जिसमें नेग्लिजिबल अमाउंट में वाटर चाहिए. नाउ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका डायग्राम भी आ जाता है और ये डायग्राम यहाँ पर जो ड्रॉ किया है वो बहुत सिंपल सा है, इसलिए आप इजिली इसको बना सकते हैं. नाउ इन आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम व्हाट आर द मेन कॉम्पोनेंट्स, दैट इज किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. एज यू कैन सी, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, दीज आर द मेन पार्ट. नाउ व्हाट अबाउट द किडनी? किडनी जो है बेटा वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसा राजमा आपने खाया होगा, आपके घर में बना होगा, उसमें राजमा का जो शेप होता है बिल्कुल वैसी ही होती है किडनी. इस किडनी में दो पार्ट होते हैं, अंदर के पार्ट को हम बोलते हैं मेड्यूला और बाहर वाले पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स. मैं रिपीट कर रही हूँ, किडनी के दो पार्ट होते हैं, अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं मेड्यूला और बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स. नाउ किडनी के अंदर नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट. व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज एक्चुअली एक्सक्रीटरी यूनिट, जो भी हम आगे पढ़ेंगे. नाउ व्हाट अबाउट दीज टू? ये कलर से भी आपको शायद इजिली समझ में आ रहा होगा. वन इज रीनल आर्टरी, अनदर वन इज रीनल वेन. As I told you, pulmonary word is used for lungs. Renal word is used for kidney. तो जहां भी renal word आता है तो समझ जाइए वो kidney से related है. So I told you all these. This region, जहां पर ये nephron जो है collecting duct के through open हो रहे हैं, उस region को हम बोलते हैं pelvis. यहां से ये arise होकर इधर जा रहा है ureter में, यहां से urinary bladder में. एंड यूरेथ्रा, यूरेथ्रा तो पैसेज के लिए हो गया. यूरिनरी ब्लैडर जो है वो टेम्परेली स्टोर कर रहा है यूरिन को, और यूरेटर जो है एक पाइप है जो यूरिन को लेके जा रहा है यूरिनरी ब्लैडर के पास. नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस किडनी? दैट इज 10 to 13 cm. एंड व्हाट इज द विड्थ? दैट इज 2.5 to 4 cm. सो दीज आर द पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. With this, now I will explain you the structure of nephron, which is again very important. And in this structure, if you get this structure now, so it will be very easy for you to know how formation of urine takes place. Structure of nephron. Nephron is the structural and functional unit of excretory system. अच्छा, nephron का structure समझने के लिए आपको main जो parts हैं उनको समझना होगा. सबसे पहले this is Bowman capsule. बोमन कैप्सूल से जो अराइज हो रहा है दिस इज कॉल्ड पीसीटी, जिसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी कहते हैं. देन हैनलीज लूप, छोटा सा पिन होता है, पिन जैसा स्ट्रक्चर होता है. देन डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. एंड देन कलेक्टिंग डक्ट. आई एम श्योर आपके दिमाग में होगा ये क्या अजीब अजीब से वर्ड मांग बोल रहे हैं. मैं आपको इजी कर देती हूँ, दिस बोमन कैप्सूल ये याद हो जाएगा आपको, इट्स नॉट डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी. नाउ दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. What this proximal is? You can see my finger. This ring is near to my body, so this part is proximal. And this nail is distal to my body, so this is called distal. So proximal हमें समझ में आ गया Bowman capsule के पास वाला, और distal हमें समझ में आ गया Bowman capsule से दूर वाला. So this is proximal part. Now what is convolutions?
these are the convergences, right? Tube मतलब हम I'm sure आप सबको पता होगा. So तीन word आ गए, proximal, near to, Bowman capsule, convoluted, having convolutions, and tubule is a tube-like structure. Same is here, distal, that is Bowman capsule से जो दूर है, convoluted, convoluted, again same, and tube, you know. So proximal convolutible, distal convolutible, I'm sure अब आपको याद हो गया होगा. This Henle's loop. This is very small loop-like structure, which is like a Jura pin if you have seen. I don't know whether you have seen or not. But it's very small structure, which is, I mean, not more than half centimeter in structure. Now, this Bowman capsule contains a layer out. Andar ki taraf beta ek layer hota hai. Us layer ko bolte hai podocyte. Aap sabne chai banaya hoga ya chai banana ki chhante hue dekha hoga. जो हमारा बच्चा सीव होता है, जो छलनी होता है, सेम स्ट्रक्चर है पोडोसाइट लेयर का. वो एक सीव की तरह काम करता है. अब कैसे हो रहा है प्रोसेस? एफरेंट आर्ट्रियोल जो है, दिस इज बच्चा एफरेंट, आई हैव टू मेक अ करेक्शन हेयर, एक्चुअली वी हैव टू पुट ए. दिस इज एफरेंट आर्ट्रियोल. इस एफरेंट आर्ट्रियोल को तरीका क्या है याद करने का? एफरेंट आर्ट्रियोल का ए फॉर आना एंड एफरेंट आर्ट्रियोल एग्जिट. ऐसे करके याद करो, एफरेंट आर्ट्रियोल जो ब्लड लेकर आता है एंड एफरेंट आर्ट्रियोल जो ब्लड लेके जाता है. सो एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेकर आ रहा है बोमन कैप्सूल के अंदर. यहाँ पर चालू हो रहा है फर्स्ट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. बेटा तीन प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का. इफ यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट. नंबर वन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नंबर टू इज सीक्रेशन, एंड नंबर थ्री इज री एब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर. तीन मैंने वर्ड्स बताए हैं आपको. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन विच टेक्स प्लेस इन बोमन कैप्सूल, सीक्रेशन विच टेक्स प्लेस इन पीसीटी, एंड री एब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर विच टेक्स प्लेस इन डीसीटी. तो तीन प्रोसेस हो गए जो अलग अलग रीजन में हो रहे हैं, जो आपको रीजन को भी याद रखना है. अब सबसे पहले जब ब्लड यहाँ आया तो इस ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं. हमने पहले वाले वीडियो में हमने ये चीज देखा था. क्या क्या चीज था? हमारे पास था प्लाज्मा, हमारे पास था आरबीसी, हमारे पास था डब्ल्यूबीसी, हमारे पास था प्लेटलेट्स. अब ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब तो चले जाएंगे एफरेंट आर्ट्रियोल. अब इसमें रह जाएगा प्लाज्मा अलोंग विद नंबर ऑफ सब्सटेंसेस. उनमें से कुछ सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है जो ब्लड में है, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है जिनको एक्सक्रीट आउट करना है. तो प्लीज राइट डाउन, जो बॉडी के लिए यूजफुल है उन्हें हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड सब्सटेंसेस, और जो बॉडी के लिए हार्मफुल है उन्हें बोलते हैं नॉन थ्रेशहोल्ड सब्सटेंसेस. सो व्हाट इज थ्रेशहोल्ड सब्सटेंसेस? व्हाट आर द थ्रेशहोल्ड सब्सटेंसेस? नंबर वन ग्लूकोज, नंबर टू विटामिंस, नंबर थ्री मिनरल्स, नंबर फोर सॉल्ट्स, नंबर फाइव हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, नंबर ऑफ बेटा जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है अच्छा चीज उसे हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड सब्सटेंस, और जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है उसे हम बोलते हैं नॉन थ्रेशहोल्ड सब्सटेंस. अब नॉन थ्रेशहोल्ड सब्सटेंसेस में कौन कौन से आते हैं? जैसे यूरिया जो हमें रिमूव करना ही है, अमोनिया, लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड, सम क्रिएटिनिन, सम एंटीजेंस. सो दीज आर द सब्सटेंसेस विच वी हैव टू एक्सक्रीट आउट थ्रू यूरिन. सो दीज सब्सटेंसेस goes from this side to this. बाकी का जो सब्सटेंस है वो भी आ रहा है साथ में. अब जो अच्छा वाला सब्सटेंस है वो तो निकल जाएगा बाहर पीसीटी से, यहां से बाहर निकल जाएगा, और जो खराब सब्सटेंस है वो आ जाएगा नीचे. राइट मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ब्लड के अंदर सबसे पहला प्रोसेस होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. दैट इज जो हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस है वो तो चले जाएंगे इसके अंदर. कौन कौन से है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्रोटीन्स. और जो लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस है वो वापस से दो में डिवाइड हो जाएंगे. पहला थ्रेशोल्ड सब्सटेंस जो अच्छा है, नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस जो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा. जो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है दैट कम्स टू पीसीटी, फ्रॉम हेयर इट गोज टू एफरेंट आर्ट्रियोल. की ब्रांचेस दिखा रखी है मैंने यहाँ पर, राइट? सो दीज ब्रांचेस ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल इज कॉल्ड वासर रेक्टम. तो जितना भी थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है वो पीसीटी से चला जाता है वासर रेक्टम में, और जो नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है वो आ जाएगा यहाँ की तरफ. अब यहाँ पर जो है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होना है इस रीजन में. तो जो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होना है इस रीजन में उसमें से एक तो होगा यहाँ पर और एक होगा यहाँ पर. व्हाट दैट मीन्स, मैम आप क्या बोलना चाह रहे हो? आई विल एक्सप्लेन यू. हेनलीज लूप में जो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है वो होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा. कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर 100% रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाएगा.
लेकिन जो बीसीटी में हो रहा है रीअब्सॉर्प्शन वाटर वो 101% होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है एक हार्मोन. दिस हार्मोन इज कॉल्ड एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन. दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. इसलिए यहाँ जो रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है वो ऑब्लिगेटरी है, मतलब ऑप्शन नहीं है. लेकिन यहाँ जो रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है वो फैकल्टेटिव है, मतलब होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आगे संभाल लेगा डीसीटी. डीसीटी में एडीएच प्रेजेंट है जिसका दूसरा नाम होता है वासोप्रेसिन. लेकिन आपको अगर याद नहीं रहता है तो इट्स ओके, लेकिन आपको एडीएच याद रखना है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जो आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में दोबारा से पढ़ोगे. नाउ आफ्टर दिस This tubule is called collecting duct. So number of nephrons are there, maybe 1.2 million nephrons are there. So they all are collecting all these substances into collecting duct. मैंने बोला reabsorption of water. क्या मतलब है इस चीज का? पानी जो हम पी रहे हैं क्या वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा? Answer is big no. जितना भी आप water intake कर रहे हैं उसमें से मान के चलिए 55% water जो है आपकी body की need है, तो वो reabsorb होगा ही होगा. डिपेंड ऑफकोर्स करता है आपकी एज के ऊपर और आपके सीजन के ऊपर. जैसे आपने नोटिस किया होगा कि समर के टाइम पर आप जितना भी पानी का इंटेक करते हैं वो बहुत कम लॉस होता है, लेकिन विंटर्स के टाइम पर जो आप वाटर इंटेक करते हैं उसमें बहुत सारा वाटर लॉस होता है. रीजन क्या है? समर्स के टाइम पर आपको हो रहा है स्वेटिंग, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है पानी की वो हो जाती है ज्यादा, तो उस टाइम पर पानी ज्यादा बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते. तो दिस इज ऑल डन बाय आवर किडनी, डिपेंड आई मीन दिस नेफ्रॉन डिपेंड अपॉन द सीजन. ऑफ कोर्स एज इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर दिस, एंड हाउ यू लिव योर लाइफ, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है कि आप हेल्दी लाइफ जी रहे हैं या अनहेल्दी लाइफ जी रहे हैं. अगर अनहेल्दी जी रहे हैं तो उसमें आपका वाटर लॉस जो होगा वो ज्यादा होगा, और अगर आप हेल्दी लाइफ जी रहे हैं तो वाटर लॉस कंपैरेटिवली कम होगा. मैं रिपीट कर रही हूँ आप कि तीन प्रोसेस पड़े हमने फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के. फर्स्ट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन विच टेक्स प्लेस इन बोमन कैप्सूल, सेकंड इज सीक्रेशन विच टेक्स प्लेस इन पीसीटी, एंड थर्ड इज रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर विच टेक्स प्लेस इन हैनलीज लूप एज वेल एज डीसीटी. लेकिन मैक्सिमम जो है वो डीसीटी में है. क्यों हो रहा है मैक्सिमम डीसीटी में? बिकॉज आई टोल्ड यू यहाँ पे प्रेजेंट है एडीएच हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. सो दिस इज ऑल अबाउट नेफ्रॉन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसका डायग्राम जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है इट्स वेरी सिंपल डायग्राम, सो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम इजिली. वन टर्मिनोलॉजी इज देयर, इफ यू वॉन्ट टू राइट प्लीज राइट इट, दैट इज मिक्टूरेशन, MICTURITION. आई एम रिपीटिंग MICTURITION. मिक्टूरेशन इज वॉइडिंग ऑफ यूरिन. बच्चा फॉरन में हम जाएंगे तो मिक्टूरेशन चैम्बर्स होते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा. मिक्टूरेशन चैम्बर मतलब कोई कॉन्फ्रेंस तो नहीं है, बट इट्स एक्चुअली वॉशरूम, राइट, जिसका मतलब होता है वॉइडिंग ऑफ यूरिन. आई एम श्योर आपको ये बात समझ में आया होगा. नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ किडनी, जो अभी तक हमने पढ़ा एक बार हम वापस से रिपीट कर लेते हैं. दैट इज एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी. नंबर टू ऑस्मोरेगुलेशन. प्लीज इस टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा. व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? दैट इज बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन आर बॉडी. अगर सॉल्ट और वाटर का बैलेंस नहीं होगा तो हमारी इम्पल्स ही नहीं जनरेट होंगी, हमारी इम्पल्स ही नहीं ट्रेवल करेंगी. मतलब मैं जो भी आपको बोल रही हूँ वो आपको समझ ही नहीं आएगा अगर आपका सॉल्ट वाटर कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है. मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी इफ यू वॉन्ट टू लर्न. That is self-regulatory mechanism. मैं सिंपल से एग्जाम्पल दूंगी जो शायद आपको समझ में आ जाएगा. जब आप मूवी देखने के लिए जाते हैं तो जैसे ही मूवी में आप एंटर मूवी हॉल में आप एंटर करते हैं तो आपको एकदम डार्क दिखाई देता है, आपको समझ नहीं आता है कौन सा सीट है क्या है. बट अगर आप 30 सेकेंड्स के लिए वहां पर रुक जाएंगे तो आपको थोड़ी विजिबिलिटी हो जाएगी. दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल. अनदर वन, जब आप बहुत तेज भाग रहे होते हैं तो आपका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वो थ्रू आउट लाइफ इंक्रीज होकर नहीं रहता, वो अपने आप बैलेंस हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सब सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है. सो फोर फंक्शन हो गए किडनी के, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी, ऑस्मोरेगुलेशन दैट इज मेंटेनिंग राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड आयनिक बैलेंस, नंबर थ्री मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, नंबर फोर मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस.
Achha, one topic is also given, that is artificial kidney. What is artificial kidney? That is dialysis होता है, मतलब कुछ लोगों का kidney जो होता है वो proper function नहीं करता है, तो उसमें एक process होता है जिसको हम बोलते हैं hemodialysis. What is hemodialysis? एक vein से blood लिया जाता है और एक chamber के through उसे pass कराया जाता है. उस chamber के अंदर fluid present होता है, जिसे हम dialysing fluid कहते हैं. वो fluid सारा का सारा nitrogenous waste और excretory substance को absorb कर लेता है. तो जो फाइनली ब्लड बाहर आएगा दैट इज प्योर ब्लड. सो दिस इज हाउ दिस हीमोडायलिसिस प्रोसेस यू नो टेक्स प्लेस. नाउ एक्सक्रीशन ग्लैंड्स इज अ वेरी सिंपल टॉपिक. सम पॉइंट्स आर देयर व्हिच आई एम मेंशनिंग, लाइक ऑक्सीजन जनरेट होती है फोटोसिंथेसिस में जो एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है क्योंकि वो उनके हिसाब से उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. नंबर टू, जो एक्स्ट्रा वॉटर उनके अंदर प्रेजेंट होता है वो ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं. नंबर थ्री, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा कुछ वेस्ट सब्सटेंस उनके बॉडी के अंदर प्लांट की बॉडी के अंदर डेवलप हो जाता है, आई मीन सिंथेसाइज हो जाता है और वो फाइनली चला जाता है ओल्डर लीफ में और ओल्डर लीफ का फॉल ऑफ हो जाता है. इसके अलावा उनके बॉडी के अंदर अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट है तो वो स्टोर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ रेजिन्स एंड गम्स जो कि हम यूज करते हैं. इसके अलावा कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस वो डायरेक्ट सॉइल जहां वो वहां लगे हुए हैं वहीं सॉइल में निकाल देते हैं. मैं रिपीट कर रही हूँ, excretion in plants. Number one, oxygen generated during photosynthesis is exhaled as byproduct. Number two, they get rid of excess of water by transpiration. Number three, many waste products are stored in intercellular vacuoles of older leaves that falls off. Number four, some waste products are stored as resins and gums in old xylem. And number five, they excrete some waste into the soil around them. So this is all about excretion. It hardly take 10 to 15 minutes to make this video, so you can think of how simple this topic is. Now this is all about life processes, जिसमें हमने वो चार topic पढ़ लिए जो बहुत ही simple है. अगर इन videos को आप बार बार देख कर थोड़ा नोट मेकिंग कर लें, डायग्राम्स ड्रॉ कर लें, तो आई एम श्योर ये लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर आप लाइफ लॉन्ग याद रखेंगे. थैंक यू सो मच.